तो इस वीडियो में फिर से आज एक बार बात कर लेते हैं कोचिंग शिपयार्ड के बारे में। जैसे कि देखिए आज मार्केट में थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा रैली दिखाया, जो स्टॉक जो है फंडामेंटल मतलब स्ट्रॉन्ग था वो सब स्टॉक में थोड़ा बहुत रिकवरी आ गया 3-4% का। लेकिन कोचिंग शिपयार्ड देखिए आज का डेट में भी नॉर्मल क्लोजिंग दिया, कोई बड़ी तेजी नहीं गए। तो देखिए आगे स्टॉक में करना क्या है, क्या टारगेट निकल के आ रहा है, ये सब तो हम लोग टेक्निकल चार्ट में देखेंगे ही। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि देख सकते हैं आप स्टॉक का पी आज का डेट में देखिए करीब करीब जो है आपका 42 का हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 42 का पी है तो इंडस्ट्री पी कितना चल रहा है, तो इंडस्ट्री पी भी आगे हम लोग बात कर लेंगे इंडस्ट्री पी का कितना चल रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से स्टॉक अभी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पी है जो है 60 के करीब चल रहा है। तो स्टॉक जो है उसी हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो है मतलब अंडर वैल्यूड हो गया है, ठीक है। फिर भी जो है स्टॉक में तेजी नहीं आया, अभी भी देखिए स्टॉक जो है हम लोग का उतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो हम लोग करीब करीब वीडियो में बात किए थे पहले भी कितना का था, वो आपका 1200 का, ठीक है। तो 1200 को जब तोड़ेगा स्टॉक तब जाके आपका थोड़ा सा वहाँ पर जो है स्टॉक जो है ख़राब हो जाएगा, अपना बेयरिश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ क्या है, सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी तक क्वार्टर टू का जो है मतलब कोई रिजल्ट का अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है। तो आगे कंपनी में क्या होगा क्या नहीं, यहाँ पे जो कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट के पास आके, तो ये देखिए बेसिकली है क्या, क्वार्टर टू का रिजल्ट का वेटिंग है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा अच्छा आता है क्वार्टर टू तो हो सकता है स्टॉक यहाँ पे संभल जाए गिरना और गिरावट कम से कम रुके, भागे ना भागे अभी दूसरा बात है। लेकिन अभी सबसे बड़ा चीज़ है स्टॉक में देखिए गिरावट रुकना, ठीक है। क्यों, देखिए आज मार्केट में तेजी आया तो देखिए जो स्टॉक ज़्यादा गिरा हुआ था ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वाला है तो सब कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पे आपका जो है 2-3% का तेजी के साथ क्लोजिंग दिया है। लेकिन देखिए कोचिंग शिपयार्ड को यहाँ पे दिखा जाए चार्ट में तो देखिए यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है, लेकिन गूगल में देख रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब आप मान लीजिए कि फ्लैट जो है आपका क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे, तो देखिए फ्लैट क्लोजिंग कम से कम कुछ नहीं तो देखिए शेयर इतना ऊपर से गिरा है यहाँ पे 50-60% का, मतलब यहाँ पे स्टॉक जो है नीचे गिरा है। तो उस हिसाब से आज अगर तेजी आया तो कुछ भी नहीं तो कम से कम स्टॉक में जो है आपका 4-5% का तेजी का उम्मीद मेरा भी हम भी रखे थे कि स्टॉक आज कम से कम यहाँ से 4-5% ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा पिटने के बाद जो है स्टॉक यहाँ पे और एक मतलब अच्छा मौका मिला, मार्केट भी पॉजिटिव था, हर एक स्टॉक जो है आपका अपना अच्छा कर रहा था, ठीक है। पीएसयू स्टॉक भी अच्छा चल रहे थे तो बहुत सारे पीएसयू स्टॉक चले हैं, लेकिन कोचिंग शिपयार्ड जो है आज नहीं चला। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब आपको समझने का चीज़ है क्यों नहीं हो रहा है। पहला चीज़ तो देखिए मार्केट जब मतलब गिरा था शेयर क्यों गिरा था, पहला तो OFS न्यूज़ से गिरा था, ठीक है। तो यहाँ पे OFS का जो न्यूज आया था उसके बाद शेयर जो है थोड़ा सा मतलब नेगेटिविटी और फैल गया शेयर में। उसके बाद शेयर जो है देखिए सबसे बड़ा चीज़ है क्या है, ASM Stage 4, ठीक है। तो देखिए ASM स्टेज में भी जो है आपका स्टॉक पड़ा हुआ है तो वही सब दिक्कत कर रहा है आपका, ठीक है। और अभी सबसे बड़ा वेटिंग चीज़ है क्वार्टर टू का, देखिए अभी क्या करना है, क्वार्टर टू का तो वेट करना ही है। अगर अब डिपेंड करता है पूरा पूरी जो है मार्केट में मतलब क्वार्टर टू का रिजल्ट में डिपेंड करता है स्टॉक, अगर अच्छा आ गया तो सपोर्ट के पास से स्टॉक घूम जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है पहला निकल के आ रहा है मान लीजिए आपका 1700 का राउंड फिगर में, 1700 जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है यहाँ से स्टॉक तब तक आप बड़ा उम्मीद नहीं कर सकते तेजी का। और जब तक 1200 के ऊपर है आपका स्टॉक तो ठीक ठाक है, जब तक 1200 को ब्रेकडाउन कर देगा नीचे की तरफ तब आपका जो है शेयर ख़राब हो जाएगा, फिर जो है आपका शेयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। वो डिपेंड करेगा कब, जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट या तो रिजल्ट अच्छा हुआ तो यहाँ पर ब्रेकआउट देकर रेजिस्टेंस फेस करेगा पहला 1700 का, अगर मान लीजिए रिजल्ट खराब आ गया तो नीचे जाएगा, फिर 1200 का सपोर्ट अगर उसको तोड़ता है तो फिर शेयर और वहाँ पर जो है हम लोग का स्टॉक खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे दो मेन जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिया, ऊपर का लेवल में 1700, नीचे का लेवल में आप मान लीजिए 1200 का लगभग, ठीक है। तो ये दोनों का इम्पोर्टेंट रखिए और अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्वार्टर टू का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। अगर आ जाएगा तो बढ़िया है, लेकिन अगर फंडामेंटली आप देखें तो स्टॉक का पी कहीं ना कहीं यहाँ पे 42 रुपये आ गया, लेकिन अगर आप मतलब इंडस्ट्री पी का बात करें तो अभी भी 60 में चल रहा है। तो यहाँ पे इस केस में देखा जाए तो स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड ऑलरेडी मतलब हो गया है। अभी भी 42 का मतलब पी जो है थोड़ा सा महंगा लगता है हमको, लेकिन आप इंडस्ट्री पी के हिसाब से अगर कंपैरिजन करेगा तो आपका शेयर जो है यहाँ पे आपको अंडर वैल्यूड दिखेगा, क्योंकि इंडस्ट्री का पी अभी जाके चेक कर सकते हैं इसका 60 चल रहा है ना। तो उसी हिसाब से क्या है कि आपका थोड़ा सा पी कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्ता लग रहा है, तो लेकिन उतना भी सस्ता नहीं हुआ कि अभी देखिए हम तो पहला चीज़ देखिए यहाँ पे अगर मतलब जो है स्विंग ट्रेड वालों के लिए, स्विंग ट्रेड वालों के लिए तो अभी बस इतना बोलेंगे थोड़ा सा अभी भी मार्केट को जो है आप अवॉइड करिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म है तब तो ये सब गिरावट आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटी देखिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और देखिए कोई भी कंपनी का एक दो क्वार्टर मतलब आप मुझसे मतलब कंपनी को आप नहीं बोल सकते ख़राब है कि अच्छा है। देखिए ये सब कंपनी को जो बड़ा बड़ा जो ऑर्डर मिला है वो सब का रिजल्ट जो है आपको आने वाले क्वार्टरों में दिखेगा। तो इसीलिए जैसे HL है मान लीजिए, HL भी बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन देखिए जितना ऑर्डर वो लोग को मिला है तो अभी देखिए तुरंत क्या है, आज ऑर्डर मिल गया तो कल ये लोग तो बना के इसको नहीं ना बेच देंगे, टाइम लगेगा 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर 3 क्वार्टर। तो ये सब शेयर जो है आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए ना तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए आपको अगर मतलब जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं
थोड़ा सा अगर मान लीजिए शेयर यहाँ पे गिरेगा नहीं, तो ये सब जगह में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी ना आपका रिटर्न बनेगा। अब शेयर मार्केट ऐसे सीधा चलेगा तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करिएगा, कहाँ करिएगा इन्वेस्टमेंट। लेकिन यही चीज़ है, ये सब चीज़ जो है आपको मतलब एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेना है अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो थोड़ा सा अभी भी आप जो है मार्केट को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी जो है मतलब अनसर्टेनिटी दिखाएगा जब तक आपका यूएसए का जो है मतलब इलेक्शन नहीं हो जाता है, रिजल्ट नहीं आ जाता है। अगर सेम गवर्नमेंट आता है तो मार्केट वहाँ से रैली दिखाएगा। और देखिए अमेरिका मार्केट में रैली आ गए तो सीधा सा बात है कि सब मार्केट में इफेक्ट पड़ता है उसका। अगर चेंज होता है गवर्नमेंट तो थोड़ा सा मार्केट उसको जो है ख़राब मूड में लेता है, फिर वहाँ से जो है गिरने लगता है मतलब मार्केट। तो इतना प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि जो शेयर ज़्यादा भागा हुआ है उसी में ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आया है, ठीक है। तो फाइनेंशियली हम लोग देख चुके हैं बहुत बार शेयर जो है आपका बहुत बढ़िया है। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए है तो आराम से होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा अभी जो है ऐसा नहीं कि खाली कोचिंग शिपयार्ड को बोल रहे हैं, अभी थोड़ा सा मार्केट में आप जो है शॉर्ट टर्म को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है हमको लग रहा है या तो दिसंबर से या तो जनवरी के बाद मतलब जो है मार्केट का आपका मूड मिजाज ठीक होगा, अभी तो हमको उम्मीद कम लग रहा है। तो देखिए ये टोटल डिटेल्स वीडियो था कोचिंग शिपयार्ड के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।